बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विंडोज़ 11 को आप अपने कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ इनसाइडर की मदद से। विंडोज़ इनसाइडर एक प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन करके आप विंडोज़ 11 की जो अपडेट है उसको आप उसकी ऑफिशियल विंडोज़ 11 की ऑफिशियल रिलीज से पहले आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम सेटिंग्स। और यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को जो है वो लिंक कर लेना है। समटाइम्स अगर आप पहले मेंबर नहीं हैं इनसाइडर प्रोग्राम के तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड की ऑप्शन नज़र आएगी और आप अपना अकाउंट जो है उसमें इंटर करेंगे और उसका पासवर्ड इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ विंडोज़ इनसाइडर अकाउंट पर क्लिक करके लिंक ए विंडोज़ इनसाइडर अकाउंट पे क्लिक करूँगा और मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो मैं उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर लूँगा। अब जो विंडोज़ 11 की जो इनसाइडर की अपडेट आती है वो जो ये रिलीज़ प्रीव्यू चैनल है इसमें नहीं आती। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास जस्ट रिलीज़ प्रीव्यू चैनल है जिसमें फ़िलहाल जो है वो विंडोज़ 11 की अपडेट नहीं आएगी। तो डेव चैनल है जिसमें आप विंडोज़ 11 की जो अपडेट है वो हासिल कर सकते हैं। तो उस डेव फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेव चैनल को यहाँ पे लाने के लिए हमें रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले वो चेंजेस देख लेते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। तो विंडोज़ आर प्रेस किया मैंने और रजिस्ट्री एडिटर को ओपन कर लें और यहाँ पर आपने एच के लोकल मशीन पर क्लिक करना है, फिर आपने सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है, देन माइक्रोसॉफ्ट और इसके बाद आपने विंडोज़ सेल्फ होस्ट पे क्लिक करना है। विंडोज़ सेल्फ होस्ट के बाद आपने यहाँ पे यूआई पे क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्शन पे। तो ये जो पाथ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूआई और सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पर जो यूआई ब्रांच की वैल्यू है ये रिलीज़ प्रीव्यू है इसको आपने चेंज करके डेव कर देना है और ओके कर देना है। उसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है जो कंटेंट टाइप है ये मेन लाइन है और जो रिंग है वो भी एक्सटर्नल है। फिर इसके बाद आपने इसको यूआई को जो एक्सपेंड किया था उसको बंद कर दें और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी पे क्लिक करें और इसके बाद आपने यहाँ पर ब्रांच नेम की वैल्यू को भी चेंज करना है। तो ब्रांच नेम पे डबल क्लिक किया मैंने और जस्ट यहाँ पे डेव टाइप करके ओके कर दिया। अब हम इसको रजिस्ट्री एडिटर को क्लोज़ करेंगे और अपने पीसी को एक बार रीबूट कर लेंगे। सिस्टम रीबूट होने के बाद दोबारा आपने विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे पिक योर सेटिंग्स के नीचे जो है वो जो चैनल है वो मेरा डेव हो गया है। तो अब इसके बाद हम आएंगे विंडोज़ अपडेट पे और अपने पीसी को अपडेट करेंगे। तो मेरे पास अभी विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू 10.0 को रिलीज़ जो है ये आ गया है। डाउनलोडिंग स्टेटस अभी ये डाउनलोड होगा और उसके बाद सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन के बाद आपकी विंडोज़ जो है वो 11 अपडेट हो जाएगी। तो ये थी आज की एक वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।